कॉन्वेक्स लेंस के बारे में एक चीज आपको पता है कि ऑलमोस्ट ही हर बार रियल एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू नेगेटिव एकेडमिक्स इस वीडियो में लाइट चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मिरर फॉर्मूला के लेंस फॉर्मूला के सारे कवर करने वाले हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स चु आए हुए में लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इमेरिकल से दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोटर एज गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोटर एज गिवन टू बी इक्वल टू फोर बाई थ्री राइट दिस इज एप्सिल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकॉज हमको कुछ ऐसा नहीं बोला हुआ कि वॉटर का विद रिस्पेक्ट टू कोई और मीडियम समझ रहे हो ना क्लियर सो ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वोटर का एपसिल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है दैट मीन क्लियर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज थ्री बाई टू ये भी ऑफ कोर्स एब्सिलिट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा यू हैव टू फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर जब भी ऐसा आपको गिवन uh, होगा कि दो मीडियम्स का एब्सोल्यूट रिफेक्टिव इंडेक्स गिवन है एक मीडियम का दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करना है दैट मींस ये रेलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू जी बाई म्यू वाटर राइट इस टर्म का मीनिंग यही हुआ ना ग्लास का रिफ्क्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर और जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू किसी और के करते हैं तो उससे डिवाइड करते हैं सिंपल सी चीज क्लियर म्यू जी दैट इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू एंड म्यू वॉटर वॉटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वोटर दैट इज नाइन बाई एट दिस इज आंसर देन दिस इज द सेकंड क्वेश्चन और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का काफी इजी इन वेरिकल यही है लेकिन बिकॉज में हर टाइप का वेरिकल्स को इंक्लूड करना चाहता था राइट सो इस वजह से आपको ईजी भी मेरिकल्स मिलेंगे डिफिकल्ट वाले भी मिलेंगे राइट right? सो so, ये काफी ईजी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको गिवन है वन पॉइंट थ्री थ्री और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको गिवन है थ्री इंटू टेन डेज टू पावर एट मीटर्स पर सेकेंड है ना एंड आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी वाटर में अब जो ये नंबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना सी बाई वी इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही तो होता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर मीडियम में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है लाइट क्लियर न्यूमिनेटर की वैल्यू तो हमको गिवन है लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू हमको गिवन नहीं है ये नंबर हमको कैलकुलेट करना है बट वी नो दिस वैल्यू राइट इसकी वैल्यू गिवन है वन पॉइंट थ्री थ्री वन पॉइंट थ्री थ्री आपको ये पता होना चाहिए कि इट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री जब आप करोगे डिवाइड करके लिख लेना वन पॉइंट थ्री थ्री आएगा क्लियर yeah. सो so, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ राइट right? और ये राइट हैंड साइड एस सच में सारी लिख रहा हूँ थ्री इंटू टेन इज टू एट मीटर्टर्टर पर सेकेंड डिवाइड बाई ये नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जब करोगे आप राइट आफ्टर सिंप्लीफाइंग दस पर्टिकुलर थिंग आपके पास क्या आ जाएगा पीडब्ल्यू इज इक्वल्स टू नाइन बाई फोर इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर्स पर सेकेंड दैट मीन्स टू पॉइंट टू फाइव हाँ इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर्स पर सेकेंड दिस इज द आंसर टेन रेज टू पावर एट क्लियर दिस इज द आंसर नेक्स्ट वन द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम

जीरो पॉइंट सिक्स टाइम सी सी सेल गेट वन बाय जीरो विच कैन बी रिटर्न रिटर्न एज टेन बाई सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना बन जाएगा टेन बाई सिक्स दैट मीन्स वन पॉइंट सिक्स राइट आफ्टर डिडिंग गेट दिस नंबर दिस इज यू आंसर नेक्स्ट वन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वोटर विद रिस्पेक्ट टू येट इज गिवन फोर बाय थ्री

देन थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर इन टू अगर इंडेज स्वैप है फॉर एग्जाम्पल ऐसा इन दोनों का प्रोडक्ट वन के इक्वल होता है क्लियर तो ये आपने पढ़ा होगा उसके बाद ये नंबर तो आपको गिवन ही था फोर बाई थ्री राइट सो फोर बाई थ्री इन टू ये नंबर जो आपको कैलकुलेट करना था डेट इज वन और अफकोर्स इसको भी जो आप सॉल्व करोगे ईयर <laughs> का रिफ्लेक्टिव नेक्स्ट तब भी कितना आ जाएगा थ्री बाई फोर तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो अगर टू मार्क्स में क्वेश्चन क्लियर नेक्स्ट है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू ए आपको गिवन है 1.33 पॉइंट थ्री 4 दैट 3 फोर बाई थ्री और ये गिवन है 1.50 पॉइंट फाइव जीरो दैट मींस थ्री बाई टू कैलकुलेट करना कैलकुलेट uh, करने को बोला गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बेंजीन का विद रिस्पेक्ट टू वाटर राइट दस इज वट वी हैव टू कैलकुलेट अब इन दोनों क्वांटिटीज को ऑफकोर्स या तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में या फिर डिवाइड करूंगा तभी मेरे पास ये क्वांटिटी आएगी है ना मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा कैसे पता लगेगा यार देखो सबसे पहले इसको ना ओपन अप कर लिया करो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है किसी को राइट एस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू वोट बाई म्यू एयर दैट इज फोर बाई थ्री सिमिलरली इसको भी मैं लिख सकता हूँ म्यू बेंजीन का और एयर का दैट इज थ्री बाई टू अब आप क्लियरली देख रहे हो एस टर्म को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ यार फिर तो कुछ भी नहीं बन रहा ना अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन रहा है ये म्यू ए का स्क्वायर बिल्कुल जिसका कोई फ़ायदा नहीं है सो so क्लियरली आपको दिख रहा है इन दोनों टर्म्स को हम क्या करने वाले हैं आपस में डिवाइड करने वाले हैं और बिकॉज मेरे को पहले क्या चाहिए बी वाली टर्म राइट right? तो मैं एस क्वांटिटी से इस क्वान्टिटी को डिवाइड करूँगा बिकॉज इसमें बी वाली टर्म है समझ पा रहे हो इस चीज़ को राइट right? अब जब मैं एस नंबर से एस नंबर को डिवाइड करूँगा कॉमन पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा है ना एंड आई विल बी लेफ्ट विद दस पार्ट एंड दस पार्ट सो दैट इज़ थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई फोर बाई थ्री इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट नाइन बाई एट दैट मीन पॉइंट सो दैट इज आंसर यही चाहिए था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंजीन का विद रिस्पेक्ट टू द वोटर सो वो इतना होगा दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में इसको देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज टू बाई थ्री रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड दैट इज फोर बाई थ्री कैलकुलेट करना है आपको रिफ्लेक्टिव जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स राइट सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं बहुत सारे अलग अलग तरह से इसको कर सकते हो एक तरीका तो ये हो गया रिफ्लेक्टिव एक्स right, का विद रिस्पेक्ट टू वाई राइट इंटू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन सबका प्रोडक्ट कितना आएगा वन है ना दिस इज वट वी नो पूरी साइकिल जब आप कंप्लीट करते हो ना देखो x से आपने स्टार्ट किया राइट right. इस चीज को नोट करो जरा x का विद रिस्पेक्ट टू y, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू z, है ना देन z का रिफेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू x. सो so, जहां से हम शुरू हुए हैं वहीं पर पहुंच जा रहे हैं जब भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा जितनी मर्जी टर्म्स हो डेंट मैटर प्रोडक्ट उन सबका वन के इक्वल आएगा चाहे आप इसको ओपन अप करके सॉल्व करके देख लो चाहे ऐसे इसको बोल लो म्यू एक्स बाय म्यू वाई इन टू म्यू वाई बाय म्यू जेड ये समझाने के लिए कर रहा हूँ ये नहीं करना आपको म्यू जेड बाय म्यू एक्स क्लियरली आप देख पा रहे हो ना सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा एक से एक्स वाला पार्ट जेड से जेड वाला पार्ट वाई से वाई वाला पार्ट सो so, सब कुछ कट कटा के वन ही आने वाला है दिस इज वी नो सो सिंपली हम इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं क्लियर जो जो पता है उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू के है टू बाई थ्री इंटू इसकी वैल्यू के है फोर बाई थ्री एंड ये हमको कैलकुलेट करने को बोला गया है जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको मल्टीप्लाई करोगे फोर टू जार एट एंड थ्री थ्री जर नाइन सो एट बाई नाइन यहाँ पे आ जाएगा एंड इसको सॉल्व करोगे तो म्यूजर डेक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू नाइन बाई एट सो अगेन वन पॉइंट वन टू फाइव दिस इज द आंसर क्लियर इसके अलावा एक और चीज कैलकुलेट करने को बोली गई इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई एक्स मीडियम में कितनी है वो गिवन है है ना अब बिकॉज आपको ये गिवन है कि एक्स मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई है टू बाई थ्री राइट अब आपको एक चीज पता है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम वेलोसिटीज़ की रेशियो की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइक वी वाई बाई वी एक्स है ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब आपको गिवन है एक्स मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर्स पर सेकेंड सो उसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर्स पर सेकेंड सिंपली इसको इसके इक्वेट करेंगे और वीवाई की वैल्यू आ जाएगी कॉमन पार्ट तो कैंसिल आउट कर देते हैं right?

मैग्निफिकेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी हो इन द केस ऑफ मिरोम दैट कैन बी रिटर्न एज एच डैश बाई एच डैट मीन्स साइज ऑफ एम एच डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन फर्दर बी रिटर्न एज माइनस वी बाई यू ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का देन लेंस फॉर्मूला दैट इज वन बाई वी माइनस वन बाई यू दैट इज इज इक्वल्स टू वन बाई एफ बस साइन आपको ध्यान देना है राइट कहाँ प्लस आने वाला है कहाँ पे माइनस आने वाली है क्लियर मैग्निफिकेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी हो इन द केस ऑफ लेंसेज तो फॉर्मला क्या बन जाता है एम जनरल चीज तो वही रहती है ना हाइट ऑफ एम डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बट यहां इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वी बाई यू सो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सबसे पहले नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल्स एक ओवरव्यू लेते हैं जल्दी से साइन कन्वेंशन का स्टार्टिंग विद द कॉन्केव मेरो दिस इज कॉन्केव ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है इधर वाली साइड इसकी सिल्वर साइड क्लियर ओके दिस इज द पोल ऑफ द मिरर इसको कंसिडर करा जाता है मिरर का ओरिजिन राइट right? अब जैसा आपने कार्टिजन सिस्टम पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में दिस एक्सेस इज पॉजिटिव एक्स एक्सेज दिस इज नेगेटिव एक्स राइट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस एक्सेस इज नेगेटिव एक्जैक्टली वैसा ही कुछ हम यहां पर करने वाले हैं बस इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो इसका पोल है उसको आपको ओरिजिन कंसिडर कर लेना है क्लियर सो दिस पोल इज द ओरिजिन उसके बाद इधर अगर कोई डिस्टेंस होगा इट विल बी पॉजिटिव एस डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस होगा इट विल बी नेगेटिव सिमिलरली अगर मैं हाइट्स कंसिडर करूंगा ऊपर की तरफ अगर प्रिंसिपल एक्सिस की कोई हाइट है इट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव फॉर एक्जाम्पल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा राइट इमेजेस मान के चलो किसी केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है उस केस में उसकी जो हाइट होगी इट विल बी नेगेटिव बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ इट इज नेगेटिव आई एक्सेस क्लियर यही सारी चीज़ें यूज होनी है हर केस में अब बात करते हैं इसकी फोकल लेंथ की इसका साइन आपको कैसे पता लगेगा कि किस केस में नेगेटिव है किस केस में पॉजिटिव कॉनकेव मैं बात करता हूँ आपको पता है जब भी पैरल रेज इसके ऊपर ऐसे फॉल करती हैं राइट पैरल टू प्रिंसिपल राइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती हैं बड़ा हुआ आपने राइट दस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस इसको बोला जाता है ना फोकस अब आप क्लियरली देख रहे हो ना जो इसका फोकस है इसके पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट है इस वजह से इसकी फोकल लेंथ क्या है नेगेटिव राइट बिकॉज ये जो डिस्टेंस होगा एफ से लेके पी तक का ये जो फोकल लेंथ है इट इज इन द नेगेटिव एक्स एक्सेक्सेस है ना सो so, अगर मान लो आपको पता है कि ये डिस्टेंस किसी केस में फाइव सेंटीमीटर्स है तो आप क्या लिखोगे एफ इजिकल्स टू माइनस फाइव सेंटीमीटर्स इस वजह से इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है नेक्स्ट वन कॉन्वेक्स में रो. इस केस में क्या होगा आपको पता है पैल रेज अगर यहाँ स्ट्राइक होंगी इस केस में ऐसे तो ये तो डाइवर्ज हो जाने वाली हैं कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा लेकिन अगर इन दोनों रेज को आप एक्सटेंड करोगे इस डायरेक्शन में तो कुछ यहां आके मीट करेंगी दैट मीन्स यहाँ होगा इसका फोकस पोल से कहाँ है ओवर द राइट हैंड साइड है ना सो so, मान लो कुछ ऐसा है इस बार यहां फोकस था इसका यहां पोल है तो आप क्लियरली देख लो इस बार जो डिस्टेंस है पोल से लेके फोकस तक का ये प्रेजेंट है इन द पॉजिटिव एक्स एक्सेक्सेस इस फदा से इसकी फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव इस बार मान लो अगर आपको गिवेन है ये डिस्टेंस टेन सेंटीमीटर्स है यू विल राइट एफ फिजिकल्स टू प्लस टेन सेंटीमीटर्स क्या नेक्स्ट वन कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंस के लिए अगेन दीज आर लेट्स ए पैल रेस ये तो डाइवर्ज हो जाएंगी समथिंग लाइक दिस इसको भी लेकिन अगर आप एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ तो यहाँ आके मीट करने वाली हैं राइट दैट मीन्स इसका जो फोकस होगा वो यहाँ होगा राइट ऑप्टिकल सेंटर से ओवर द लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट मीन्स फोकल लेंथ नेगेटिव सिमिलरली इस केस में लाइट रेस कन्वर्ज हो जाएंगी समवेयर अराउंड हियर सो इसका फोकस ऑप्टिकल सेंटर से ओवर द राइट हैंड साइड प्रेजेंट है राइट right? सो so, ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस में लाई कर रहा है इस वजह से फोकल लेंथ इसकी क्या होगी पॉजिटिव आई होप इतना आपको क्लियर होगा सो so, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को विद प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल बाय द वे मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स मैं ऐसे रखने वाला हूँ इस वीडियो में जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं इन द बोर्ड एग्जाम्स राइट सो दैट आपको आइडिया रहे कि एग्जाम्स में एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लियर एंड हाँ एक और चीज़ जो अनुमेरिकल सब होने वाले हैं ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पहले मिरर फॉमूला के होंगे उसके बाद सिर्फ लेंस uh, फॉर्मला के होंगे कॉन्टिन्यूटी में राइट right? रैंडमली होंगे राइट right? कोई न्यूमेरिकल मेरा फॉर्मूला का फिर कोई लेंस फॉमूला का सो so दैट आप हर क्वेश्चन में अटेंटिव होकर उसको समझो हो कि हाँ किस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है समझ पा रहे so, uh, हो इस चीज को क्लियर सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल मेरा का दैट मीन्स इसमें यूज होगा मेरा फॉर्मूला राइट मेरा फार्मूला क्या होता है वन बाई वी प्लस वन बाई यू दैट इज इक्वल्स टू वन बाई एफ एंड अगर मैग्निफिकेशन हमको कैलकुलेट करनी हो एम इज इक्वल्स टू एच डैश बाई एच दैट इज इज इक्वल्स टू माइनस वी बायू इतना पहले रफ में लिख लिया करो सो so दैट बाद में आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे अब देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है सिक्योरिटी मेरो सिक्योरिटी यू मस्ट बी नोइंग दैट कि इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरो बिकॉज ये पता होना बहुत जरूरी है ट्रैफिक मिरर हो गया और जो शॉप्स में सिक्योरिटी मिरर लगे होते हैं दे आर द कॉन्वेक्स मिरर्स राइट बिकॉज वो एक वाइड रेंज ऑफ व्यू देते हैं ना बिकॉज वो डिमिनेश इमेज फॉर्म करते हैं इस वजह से क्या so, सो ये कॉन्वेक्स मिरर है दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी दिस इज वट वी ऑलरेडी नो रेडियस ऑफ करवेचो गिवन है क्वेश्चन में फाइव मीटर्स फोकल लेंथ तो गिवन ही नहीं है लेकिन बिकॉज हमको पता है कि एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू सो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 2.5 पॉइंट फाइव मीटर्स फोकल लेंथ आधा होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का है ना एंड इट इज पॉजिटिव टू पॉइंट फाइव सो हमको साइन के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस बार बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स मेरा राइट इसके अलावा क्वेश्चन में क्या गिवन है ऑब्जेक्ट uh, जो पर्सन है बेसिकली वो मेरर से ट्वेंटी मीटर्स दूर खड़ा हुआ so, है क्लियर सो ट्वेंटी मीटर्स दूर देट मीन्स यू की वैल्यू गिवन है माइनस ट्वेंटी मीटर्स ऑब्जेक्ट ऑलवेज ओवर द लेफ्ट हैंड साइड ही आप कंसिडर करोगे इस वजह से जो ये डिस्टेंस है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव राइट चलो अब इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग दस मेरा फॉर्मूला वन बाई वी प्लस वन बाई यू यू की वैल्यू गिवन है माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू वन बाई एफ एफ की वैल्यू टू पॉइंट फाइव बाय द वे एक और चीज हाँ इसका ध्यान देना वैसे मोस्ट ऑफ द केसेज में आपको ऑलरेडी सेम यूनिट्स से ही मिलेंगी लेकिन स्टिल हो सकता है किसी केस में अलग यूनिट्स भी हों जब आप वैल्यू सब्सटीब्यूट करते हो ना इस फॉर्मूला में ये ट्वेंटी और जो जैसे टू पॉइंट फाइव मैंने यहाँ पे पुट करा है इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए फिलहाल ऑलरेडी सेम है मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है टू पॉइंट फाइव भी मीटर्स में है और जो ये ट्वेंटी है ये भी मीटर्स में ही है राइट सो so, सब सही है लेकिन अगर मान के चलो किसी केस में अलग अलग गिवन हो ठीक है फिर आपको क्या करना पड़ेगा यूनिट्स को पहले इक्वल करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा क्लियर तो इस चीज़ का ध्यान देना चलो अब इसको सॉल्व करते हैं वन बाई वी को टू ये कितना हो जाएगा वन बाई टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव को मैं ऐसे लिखता हूँ फाइव बाई टू राइट एंड ये वाला पार्ट मैं इधर भेज रहा हूं सो प्लस वन बाई ट्वेंटी राइट इसके बाद बिकॉज ये वन बाय फाइव बाई टू है फ्लिप हो जाएगा राइट टू बाई फाइव अब ये बन जाएगा ट्वेंटी फोर टूर एट प्लस वन नाइन बाई ट्वेंटी राइट एक और चीज इसका ध्यान देना ये वन बाय वी की वैल्यू आई अभी नाइन बाय ट्वेंटी है, है ना वन बाई वी इज इक्वल्स टू नाइन बाई ट्वेंटी सो रेसिप्रोकल करके वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेंटी बाई नाइन मीटर्स राइट सो वी कम्स आउट टू बी टू पॉइंट टू टू मीटर्स मिरर के पोल से इतनी दूर टू पॉइंट टू टू मीटर्स दूर बन रही है इमेज ये तो हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट पोजिशन ऑफ द इमेज इसके अलावा नेचर ऑफ द इमेज भी कैलकुलेट करना है राइट right? नेचर हमको कैसे पता लगेगा इमेज का गिवन हमको देखो ये एक कॉन्वेक्स मेरा उसके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इमेज का डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करा इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स पोल से राइट हैंड साइड की तरफ बन रही इमेज दट मीन्स बिहाइंड बिकॉज़ बिहाइंड द मिरर बन रही इमेज इट मीन्स इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बिकॉज वर्चुअल इमेज बनती है ना बिहाइंड मेरो अगर रियल इमेज होती वो तो सेम साइड पर बनती है ऑब्जेक्ट पड़ा हुए क्या सो नेचर ऑफ द इमेज इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज अगर ये नेगेटिव होता फिर ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती इसके अलावा जो तीसरी चीज कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में दैट इज साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द इमेज के लिए हम ये फॉर्मुला यूज करने वाले हैं मैग्नीफिकेशन का एच डैश बाई एच दैट इज इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू सो साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये दोनों क्वांटिटीज अननोन है राइट right? लेकिन एटलीस्ट इन दोनों की वैल्यूज हमको गिवन है वी और यू की इनको पुट करते हैं वी की वैल्यू कितनी है टू पॉइंट टू टू ये डिवाइड करने से पहले कितना था ट्वेंटी बाय नाइन राइट डिवाइडेड बाई यू एंड यू की वैल्यू कितनी थी माइनस ट्वेंटी राइट माइनस एंड माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा राइट एंड इट विल बी वन बाय नाइन राइट इसको जब आप सॉल्व करोगे इट विल बी वन बाय नाइन देट मीन्स साइज ऑफ द इमेज एच बाय नाइन क्लियर सो साइज ऑफ द इमेज विल बी नाइन टाइम्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट डिमिनिश इमेज बिकॉज ये कॉन्वेक्स में रह रहे हो ये डेमिनिश इमेज बनाता है सो so वो आपको यहाँ से आइडिया लग रहा है दिस द सेकंड क्वेश्चन 2017 में पूछा गया बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बिकॉज इसमें स्पेसिफिकली उसने क्या बोला हुआ है यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन दैट मीन्स लेंस फार्मूला तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते क्या देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है वट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस ये आपको कुछ डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है फोकल लेंथ कितनी होगी देखो तो अगर इसने ये ना बोला होता विदाउट डूइंग कैलकुलेशन फिर तो बहुत ईजी था लेंस फार्मला यूज करते वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एफ कोई भी वैल्यू उठा लेते राइट right? यू की और वी की यहां पे पुट करते उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एफ की वैल्यू आ जाती फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना बहुत ईजी रहता विद द लेंस फॉर्मूला लेकिन वो हम यूज कर नहीं सकते और हमारे पास क्या ऑप्शन है एक चीज हमको ये पता है कि फोर द कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट जब टू एफ वन पे होता है राइट दिस इज टू एफ वन तो जो इमेज बनती है उसकी वो कहां बनती है टू एफ टू पे एंड ऑफ कोर्स ये टू एफ वन और टू एफ टू एक्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे होंगे ऑप्टिकल सेंटर से राइट right? अगर ये डिस्टेंस लेट से एक्स है तो ये वाला डिस्टेंस भी तो एक्स होगा बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा ना वन विल बी नेगेटिव अदर वन विल बी पॉजिटिव अब इस टेबल में आप क्लियरली देख पा रहे हो ऐसा कौन सा डाटा गिवन है आपको जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है माइनस फोर्टी एंड प्लस फोर्टी दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी फोर्टी सेंटीमीटर्स दैट मीन्स फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वेंटी सेंटीमीटर्स सो दिस इज द फर्स्ट आंसर फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेंटीमीटर क्लियर

कौन सा सीरियल नंबर गलत है कौन सा डाटा गलत है राइट right. अब अगर आपने कोशिश कर लियो अब देखते हैं कि इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ऑलमोस्ट हर केस में ये रियल एंड इनवर्टेड इमेजेस बनाता है वाई आई एम सिंग ऑलमोस्ट बिकॉज एक केस इसका ऐसा भी होता है जिसमें ये बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज किस केस में बनाएगा ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज जब ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट होगा बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर राइट जब कुछ ऐसा केस होगा ना तब ये लेंस कैसी इमेज बनाता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज इसके केस में बनेंगी ऑन द सेम साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है राइट रे डायग्राम्स आपने पढ़े हुए हैं और वो मैग्नीफाइड uh, इमेज होती है ये भी आपको पता है ना तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये वाली जो वैल्यू है ये क्लियरली आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट इस पर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्रेजेंट है ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं बिकॉज फोकल लेंथ आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 20 सेंटीमीटर थी ऑब्जेक्ट लेकिन कितनी दूर है 15 सेंटीमीटर्स दूर सो दस डिस्टेंसिस 15 सेंटीमीटर दैट मीन्स पक्की बात है कि ये जो वैल्यू है यहां ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है दैट मींस इमेज उसकी कैसी बननी चाहिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट अब अगर इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो आप ये भी क्लियरली देख रहे हो इमेज का डिस्टेंस एम जो बन रही है वो एस लेंस से लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है दैट मीन्स इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होना चाहिए था बट यहाँ पे क्या शो कर रहा हुआ पॉजिटिव है ना सो इस वजह से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो सिक्स सीरियल नंबर है दैट दैट इज एंड करेक्ट राइट बिकॉज ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए थी नेगेटिव ना कि पॉजिटिव एंड द थर्ड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है यू हैव टू सेलेक्ट अप्रोप्रेट स्केल एंड यू हैव टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर टू रे डायग्राम्स आई गेस आप ड्रॉ कर सकते हो हमने थेरी वाले पार्ट में कवर करे हुए हैं क्रैश कोर्स में अगर आपको डाउट्स हैं रे डायग्राम्स में तो वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो राइट right? उसके अलावा यू हैव टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मैग्नीफिकेशन जो ये सेकंड केस है इसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने को बोली गई है एम इज इक्वल्स टू लेंस के लिए क्या होता है वी बाई यू सिंपली पुट कर दो वैल्यू इज वी और यू की वी की वैल्यू थर्टी यू की वैल्यू माइनस सिक्सटी सो एम की वैल्यू आ रही है माइनस वन बाई टू दैट मीन्स इसका मतलब क्या बना बाय द वे इमेज आधी है ऑब्जेक्ट से छूटी है राइट right? और नेगेटिव मीनस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है क्लियर यह न्यूमेरिकल आपके लिए है इसको सॉल्व करो ये चीजें फाइंड करनी है पोजिशन ऑफ द इमेज साइज ऑफ द इमेज नेचर ऑफ द इमेज एंड एक ही कमेंट में ये तीनों चीज़ें नीचे इस वीडियो के नीचे आंसर कर देना राइट सो दैट मेरे लिए लिएजी रहे आपके कमेंट को रीड करना और इसको रिप्लाई कर पाना क्लियर दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर्स फ्रॉम कॉन्केव लेंस सो यू की वैल्यू केवन आपको माइनस थर्टी सेंटीमीटर्स कॉनकेव लेंस गिवन है दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ क्या होगी डाइवर्जिंग लेंस है सो so नेगेटिव होगी राइट right? सो so f इज इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन गस्ट फोर कैरेक्टर्स एक्स नेचर पोजिशन साइज जो सब भी होता है वो सारा कुछ आपको फाइंड करना है है ना सो so सबसे पहले तो v कैलकुलेट करते हैं लेंस सो लेंस फॉर्मुला यूज करने वाले हैं वन बाई वी माइनस वन बाई यू दैट इज इक्वल्स टू वन बाई एफ वैल्यूज पुट करते हैं जो जो गिवन है माइनस थर्टी इज इक्वल्स टू वन बाई एफ वो गिवन है सो माइनस माइनस यहां जाएगा प्लस एंड वन बाई वी इज इक्वल वन बाई फिफ्टीन माइनस वन बाई थर्टी दैट मीन्स माइनस टू माइनस वन दैट मीन्स माइनस थ्री बाई थर्टी दैट मीन्स माइनस वन बाई टेन राइट ये वैल्यू है किसकी वन बाई वी की सो वन बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टेन सो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस टेन राइट वी कम्स आउट टू भी इक्वल्स टू माइनस टेन सेंटीमीटर्स यूनिट सेंटीमीटर्स में बिकॉज सो इमेज बन रही है टेन सेंटीमीटर्स दूर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस ये तो हो गई पोजिशन ऑफ द इमेज इसके अलावा फाइंड करना नेचर ऑफ द इमेज नो बिकॉज दिस इज अ कॉन्केव लेंस दिस इज द ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस कैसा है नेगेटिव सो इमेज भी ऑन द लेफ्ट एंड साइड बन रही है सो इट मस्ट भी वर्चुअल एंड एरेट इमेज है ना रे डाइग्राम्स आपको क्लियर होने चाहिए अगर आपको रे डाइग्राम्स की नॉलेज है प्रॉपरली देन आप इजिल इनमेरिकल्स को आंसर कर सकते हो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली राइट वीथ इक्वल्स टू नेगेटिव सो इट मीन्स कि इट एज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज राइट अगर वी पॉजिटिव हो इन द केस ऑफ लेंसेज देन इमेज कैसी होती है रियल एंड इनवर्टेड इमेज क्लियर सो ये हो गया नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट वैसे भी आपको पता है यार जो कॉन्कीव है ये तो डाइवर्जिंग लेंस है ना ये तो रियल इमेज बना ही नहीं सकता ये तो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनाएगा सो नॉलेज अगर ऐसे हो ना बेसिक चीज़ों की तो आप इजिली आंसर्स कर सकते हो नैक्स्ट साइज बिकॉज चार करेक्टरसिक्स उसने पूछे हुए हैं राइट right? uh, ये हो गया माइनस टेन वर्चुअल एमेज इरेक्ट एमेज और एक साइज और बता देते हैं राइट चार करेक्टरसिक्स हो जाएंगे इसके साइज ऑफ दज के लिए हम क्या करने वाले हैं एम इज इक्वल्स टू एच डैश बाई एच डट इज इक्वल्स टू वी बाई यू है ना एच डैश बाई एच को तो मैं यूज नहीं कर सकता बिकॉज दोनों की वैल्यू केवन नहीं है मेरे को सो आई एम यूजिंग एम इज इक्वल्स टू वी बाई यू ठीक है वी की वैल्यू माइनस टेन एंड यू की वैल्यू माइनस थर्टी सो वन बाय थ्री सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है वन बाई थ्री दैट मीन्स डिमिनिश्ड इमेज बन रही है जो कि आपको पता ही है राइट right? जो ये वाला लेंस है कॉन्केव लेंस ये हर बार डिमिनिश इमेजेस ही बनाता है ना दिस इज another numerical जो कि लास्ट ईयर पूछा गया इन द बोर्ड एग्जाम्स एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट गिवन है आपको फोर सेंटीमीटर्स दैट इज प्लेस्ड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मेरो और फोकल लेंथ आपको गिवन है उसकी फिफ्टीन सेंटीमीटर्स नेगेटिव होगी या पॉजिटिव इट इज कॉन्केव मेरो फोकस लेफ्ट एंड साइड पर प्रेजेंट होता है पोल से सो फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव होगी यूजिंग द मेरा फॉर्मूला वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एफ राइट कैलकुलेट आपको करना है सबसे पहले तो वी है ना सो वन बाई वी इज इक्वल्स टू वन बाई एफ माइनस वन बाई यू डायरेक्टली इसी में मैं वैल्यूज स्पोर्ट करने वाला हूं राइट सो वन बाई वी इज इक्वल्स टू वन बाई एफ माइनस वन बाई यू माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी फाइव एंड फिफ्टीन एलसीम कितना होता है सेवेंटी फाइव माइनस फाइव प्लस थ्री राइट सो माइनस टू बाई सेवेंटी फाइव बट की वैल्यू है वन बाई वी की वन बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस टू बाई सेवेंटी फाइव सो वी कितना हो जाएगा माइनस सेवेंटी फाइव बाई टू दैट मीन्स माइनस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स सो मिरर से थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स आगे बन रही है एम एज ये ये हो जाएगी पोजिशन ऑफ द एम जो ये पहला क्वेश्चन है उसमें तो ऑफकोर्स इंडायरेक्टली आपसे यही पूछा गया कि एम एज कहाँ पर बन रही है बिकॉज ऑफकोर्स आप स्क्रीन कहाँ रखोगे उसने ये बोला हुआ स्क्रीन आप कहाँ पर रखोगे अगर आप शार्प इमेज ऑप्टेन करना चाहते हो स्क्रीन पर यार अफकोर्स वहीं रखोगे जस्ट डिस्टेंस पे इमेज बन रही है अगर इमेज यहाँ बन रही है स्क्रीन में आगे पीछे रख दूँगा वहाँ से ऑफकोर्स आई गेट अ ब्लर्ड इमेज ऑन द स्क्रीन राइट सो दिस इज द पोजिशन ऑफ द इमेज सेकेंडली साइज ऑफ द इमेज सो एम इज इक्वल्स टू एच डैश बाई एच या फिर माइनस वी बाई यू फॉर द मेरो आई कैन राइट इट लाइक दिस एच की वैल्यू मेरे को पता है वैल्यूज मेरे को वी एंड क्यू की भी वैसे गिवन है बट hmm, hmm, hmm. ये थर्टी सेवन पॉइंट फाइव यार बड़ा वियर्ड सा नंबर आ रहा है कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट जाएगी चलो देखते हैं क्या बनता है एच डैश बाई फोर दैट इज माइनस वी देट मीन्स थर्टी सेवन पॉइंट फाइव हो जाएगा एंड बिकॉज दिस इज ऑल्सो माइनस एंड ये नंबर इट माइनस है सो माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई यू माइनस ट्वेंटी फाइव दैट मीन्स एच डैश कितना बन जाएगा फोर इंटू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव नेगेटिव में राइट right? इसको जरा मैं कैलकुलेट करता हूँ फोर इंटू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव एंड वी गेट सिक्स माइनस सिक्स ठीक है सो एच डैश विल बी माइनस सिक्स सेंटीमीटर्स अब इस नेगेटिव का क्या मीनिंग है वाई इज दस लेट्स ए हाइट नेगेटिव नेगेटिव इसलिए है बिकॉज इट इज़ अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज राइट माइनस का मतलब यही हुआ ना प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है सो इट मस्ट बी इन्वर्टेड और अगर इन्वर्टेड है तो रियल होगी इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ठीक है साइज पूछा हुआ है माइनस सिक्स सेंटीमीटर्स नेचर पूछा नहीं हुआ चलो नहीं भी पूछा हो तो, तो भी कोई बात नहीं है. अगर पूछा होता तो हम बता देते रियल एंड इन्वर्टेड राइट और थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है ड्रो द रे डायग्राम्स वो तो आप बना लोगे क्लियर दिस इज गोइंग टू बी लास्ट मेरिकल ऑफ दिस वीडियो 2016 में पूछा गया था इन द बोर्ड एग्जाम्स काफी इंटरेस्टिंग मेरिकल वाला भी डायवर्जिंग लेंस कीवन है दट मीन्स कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ जिसकी गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर्स नेगेटिव 20 होगी बिकॉज लाइट रेज अगर पहले लाइट रेज इसमें से पास करती हैं दे विल डायवर्ज लेकिन एक्सटेंड जब आप उनको करोगे तो यहां मीट होंगी दैट मीन्स इसका फोकस प्रेजेंट है ओवर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर है ना हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की

द सेम साइड ऑफ द लेंस जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर रखा हुआ एमएचपी लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनेगी दैट मीनस वी की वैल्यू भी क्या होने वाली है Negative, right? so उसके अलावा क्या बने हाँ बस ठीक है यू आपको फाइंड करना है यूजिंग लेंस फॉर्मला वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एफ वन बाई वी सो माइनस टेन माइनस वन बाई यू जो कि अन नोन है वैल्यू माइनस ट्वेंटी इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट माइनस वन बाई टेन प्लस वन बाई ट्वेंटी इज इक्वल्स टू वन बाई यू वन बाई यू कितना हो जाएगा ट्वेंटी विल बी डेल्शियम सो माइनस टू प्लस वन सो दैट इज माइनस वन बाई ट्वेंटी सो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बिकॉज ये वन बाई यू है माइनस वन बाई ट्वेंटी दोनों साइड फ्लिप करोगे तो यू विल बी माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर्स डैट मीन्स ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पस डाइवर्जिंग लेंथ से ट्वेंटी सेंटीमीटर्स दूर 20 सेंटीमीटर्स पहले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ठीक है सो दैट इज़ वैल्यू ऑफ यू माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर्स इसके अलावा क्वेश्चन में एक और चीज पूछी हुई है साइज ऑफ द इमेज। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए लेंस के लिए एच डैश बाई एच दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वी बाई यू राइट सो एच डैश बाई एच दैट इज फोर वी बाई यू वी की वैल्यू गिवन है माइनस एन यू इज माइनस ट्वेंटी माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल आउट जीरो से जीरो सो वन बाई टू एंड क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट एच डैश इज इक्वल्स टू टू सेंटीमीटर्स है ना ये भी क्लियरली आप देख पा रहे हो करेक्ट है हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आ रही है है ना दैट मींस ये कैसी इमेज होने वाली है वर्चुअल एंड डायरेक्ट और ऑफकोर्स ट्रू है बिकॉज ये डाइवर्जिंग लेंस है राइट डाइवर्जिंग लेंस है दे ऑलवेज क्या बनाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस ही बनाएगा अगर गलती से मान लो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा होता आपका तो आपको झट से पता लग जाता कि यार नहीं कहीं पे गड़बड़ हो रही है ये तो डाइवर्जिंग लेंस है जो कि ऑलवेज़ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस बनाता है सो so, नेगेटिव आपकी आ ही नहीं सकती ना इमेज क्लियर सो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो अगर कहीं पर गलती होती है आपकी नुमेरिकल्स में क्लियर इसी के साथ इस चैप्टर के सारे नुमेरिकल्स ख़त्म होते हैं अगर स्टिल आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर तरह के नुमेरिकल्स में कोई डाउट हो डू लेट know इन द कमेंट सेक्शन अगर मेरे को लगेगा अभी भी कोई ऐसी चीज़ पेंडिंग है जिसको मैंने सफिशेंटली एक्सप्लेन नहीं किया इस वीडियो में मैं उस पर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूँगा अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर न हो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू दिस ऑसम चैनल बिकॉज अक्सर मैं ऐसी ऑसम awesome वीडियोज लाता रहता हूँ इस चैनल पर